हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आएगा आपको पसंद। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ हो सके तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बिल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो समय की बर्बादी कर चुके हैं बहुत, तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बिल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ क्लोन फोन्स के बारे में। बहुत से लोगों ने बहुत तरह तरह की क्लोन फोन्स खरीदी हैं या फिर खरीदने वाले हैं। तो ऐसे में मैं सभी से एक छोटी बात कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी भी ऐसा कोई भी क्लोन परचेज किया है जिससे आपको लगा हाँ ये क्लोन मुझे पूरी तरीके से कर रहा है सेटिस्फाइड, तो ऐसे में ये क्लोन बढ़िया है। ऐसा कभी शायद ही किसी के साथ हुआ है कि उन्होंने कोई ऐसा क्लोन परचेस किया है जिससे उनको लगा है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये एकदम ठीक ठाक चीज़ है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक क्लोन को परचेस करते हैं, मैं आपकी बात छोड़ देता हूँ, मैं अपनी खुद की बात कहता हूँ। जब सैमसंग S8 प्लस लॉन्च हुआ था तब मैंने सोचा था इस चीज़ को परचेज़ करने के बारे में, लेकिन उस वक्त मेरा परचेजिंग पावर इतना हाई नहीं था। तो ऐसे में मुझे तो वो फ़ोन यूज़ करना था चाहे किसी भी तरीके की हो। तो ऐसे में मेरे हाथ लगा एक वेबसाइट जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि 12,000 रुपीज़ में जो सैमसंग S8 प्लस है वो मिलने वाला है क्लोन वर्ज़न। तो जब मैंने देखा ये क्लोन वर्ज़न है तो पहले मैंने सोचा कि अगर क्लोन वर्ज़न है तो चाइनीज़ होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब मैंने उस चीज़ की जब डिस्क्रिप्शन में गया, स्मार्टफोन की डिस्क्रिप्शन में, तब वहाँ पे लिखा हुआ था मेड इन दुबई फर्स्ट कॉपी, तो ऐसी वगैरह बहुत सी थी। तो मैंने जब अब उसके ऊपर रिसर्च किया तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत ऐसी वीडियोस देखा जिन पे कहा जा रहा था फर्स्ट कॉपी अच्छा है, कोई कह रहा था नहीं नहीं कुछ दिनों बाद जो फ़ोन निकलता है वो बहुत बढ़िया होता है, कुछ लोग कह रहे थे दुबई वाला जो क्लोन होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो ऐसे में बहुत सी टेंशन से बहुत सी दिक्कत मुझे आई, लेकिन फाइनली जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा और ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे लगा कि हाँ भाई चीज़ थोड़ी बहुत तो सही होगी, तो मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे में मैंने उस फ़ोन को कर लिया परचेज़ और वो फ़ोन कैश ऑन डिलीवरी पे मेरे पास आ चुका था। तो ऐसे में मैंने किया उस पैसे के लिए पूरा पूरा 12,000 रुपीज़ पे। तो ऐसे में फ़ोन जब मुझे मिला, मैंने फ़ोन को बॉक्स से निकाला, तो जब पहली नज़र मेरी फ़ोन के ऊपर गई इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उस वेबसाइट पर जब मैं जा रहा था तब वहाँ पे मेरा कोई ऑर्डर वहाँ पे हुआ भी था ये शो ही नहीं कर रहा है, मतलब मैं चाहकर भी चीज़ को वापस नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैं तो फंस गया ना इधर का ना उधर का, मतलब फ़ोन को ऐसे बॉक्स से निकलना और देखते ही मतलब आप एकदम शॉक हो जाएंगे, इतनी बुरी तरीके से मतलब उसको पैक करके भेजा गया है, साथ ही साथ फ़ोन में इतनी मतलब इतना बुरा दिख रहा है फ़ोन, उसका कलर वगैरह जो है वो सही नहीं है, फ़ोन को एकदम ग्लू से चिपका दिया गया है, स्क्रीन जो है वो एकदम मतलब मैं कैसा बताऊँ आपको, आप समझ ही नहीं सकते, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि 720 वाला कोई 720p वाला कोई डिस्प्ले है। तो ऐसे में उसका कैमरा जो है ना तो फोकस लेता है ना ही कुछ, एकदम बेकार सा गंदा सा कैमरा है। तो ऐसे में मुझे लगा कि अब तो मैं फंस चुका हूँ और मुझे पैसे भी और नहीं मिलने वाले थे। तो ऐसे में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाया, आखिर में फ़ोन हो गया डब्बा, 5-4 महीने चला, उसके बाद फ़ोन चलने लायक रहा ही नहीं। उसका जो स्क्रीन है वो खुद ब खुद टूटने लगा था, मतलब जो PDF है जिस पर हम टच करते हैं वो खुद ब खुद टूटने लगा था, एक साइड से क्रैक स्टार्ट हुआ और दूसरी साइड तक चला गया। तो ऐसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप क्लोन डिवाइस परचेज करते हैं तो प्लीज़ 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 मत कीजिए परचेज़। हाँ अगर आपके आस पड़ोस में कोई मार्केट है जहाँ पे जाके आप मतलब पैसे देके उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, तो ऐसे में एक ऑप्शन होता है आपके पास कि हाँ आप गए उस चीज़ को देखा सही है गलत है, आप यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तब अगर परचेज़ करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन से करते हैं ना, जिन पे दिखाते हैं एप्पल का लोगो नहीं दिखा के फ़ोन को शो किया जाता है, उसके बाद दिखा दिया जाता है एप्पल का लोगो,
और ऐसे में आप समझते हैं बहुत बढ़िया सी चीज़ आपको मिल रहा है, घंटा मिल रहा है, आप मेरी बात को मान लीजिए प्लीज़। इन सब फोन्स को परचेज करने के लिए अपना जो पैसा, अपना जो समय, ये सब बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ही नहीं। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपीज़ के अंदर कोई भी नॉर्मल सा एंड्रॉयड देखेंगे ना, तो भी आज के टाइम पे उसमें 3 GB RAM, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, पीछे में 8 MP का कैमरा, फ्रंट में आपको 12 MP का कैमरा आराम से मिल जाएगा 3000 mAh की बैटरी के साथ, और साथ ही साथ आपको Full HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी मिलेगा। इन इतना सा चीज़ भी अगर उस क्लोन में होता ना, तो मैं उसके बारे में बुराई नहीं करता। इतनी सी भी चीज़ें उनमें नहीं थी। फ़ोन में मैंने 12,000 रुपया दिया, इसके बदले में मुझे क्या मिला था? मुझे मिला था 500 MB RAM, पीछे की तरफ 2 MP का कैमरा, सामने की तरफ जो है वो पता नहीं कितना था, शायद VGA कैमरा ही दे दिया था। ऊपर से अगर अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो मुझे 4 GB की स्टोरेज मिली थी, मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, वरना मुझे पता नहीं कितना मिल जाता। और अगर बैटरी की बात करूँ, तो यहाँ किसी भी एप्लीकेशन में रियल बैटरी सोन नहीं कर रहा था, हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग दिखा रहा था, तो ऐसे में बैटरी कितना इमेज का है ये मुझे पता नहीं लग पाया। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ फ़ोन की यूसेज के हिसाब से बैटरी की, तो फ़ोन लगभग चला था 2 से 3 घंटे, एकदम ठीक ठाक चलता था, उसके बाद स्विच ऑफ। तो ऐसे में बैटरी जो है वो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 1500 से 2000 mAh की बीच की हो सकती थी, और बिल्ड क्वालिटी एकदम घटिया था, घटिया। तो ऐसे में अगर आप क्लोन परचेज करने के बारे में सोच रहे थे, तो प्लीज़ मत सोचिए। अगर आपकी लोकल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं एक आईफोन एक्स तो परचेज़ नहीं कर सकता, लेकिन उस जैसे क्लोन लेके थोड़ा बहुत शो ऑफ कर सकता हूँ, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन लोकल मार्केट से परचेज़ करने का मतलब है आप रिक्स फ्री हो, फ़ोन को मतलब 10-15 मिनट ऐसे देख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है आपके मन में कि हाँ भाई ये फ़ोन ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लोन वाली वीडियो में मैंने आपको ठीक से समझा पाया है कि क्लोन्स परचेस करना चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे कुछ ही टाइम के बाद आपके साथ एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।